रिपब्लिक भारत आपका पसंदीदा, आपका नंबर वन, भारत का नंबर वन न्यूज चैनल अब एक नए अवतार में। कितनी अफसोसजनक बात है, देश की एक सांसद उन्हीं की पार्टी के मुख्यमंत्री के निवास पर जाती हैं और उनके साथ बदतमीजी होती है, उसके बाद उनको ये कहना पड़ रहा है कि उनका चीरहरण हुआ और मतलब उनके साथ बदतमीजी की गई, उनकी मारपिटाई की गई और आज उनका चित्रहरण किया जा रहा है क्योंकि वह खड़ी होकर बोल रही है कि उनके साथ बदतमीजी की गई और मुख्यमंत्री दिल्ली के अपना मुंह सिलकर बैठे हैं और पूरा पूरा विपक्ष आज मुंह सिलकर बैठा है। ये देश की राजधानी के अंदर, देश के मुख्यमंत्री के, राज्य के मुख्यमंत्री के निवास के अंदर, उनके ड्राइंग रूम में अगर इस प्रकार की घटना हो सकती है तो समझ सकते हैं कि इंडी अलायंस के नेताओं के, नेताओं के रहते हुए किस प्रकार माहौल खड़ा हो रहा है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं, विवेक कुमार उनका राजदार है, इसलिए वह आज स्वाति मालीवाल को दरकरार करके विवेक कुमार के साथ खड़े हैं। संजय सिंह अरेस्ट हुए, मनीष सिसोदिया अरेस्ट हुए, सत्येंद्र जैन अरेस्ट हुए, उन्होंने कोई धरना प्रदर्शन नहीं किया, पर विवेक कुमार के लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है, जिसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं विवेक कुमार के पास बहुत सारे कोई इनके राज हैं जो छुपे हुए हैं और इनको डर है कि विवेक कुमार उन राजों को उगल ना दे, उनकी जानकारी बाहर ओपन ना कर दे, इसलिए वह विवेक कुमार ने जो दुष्कर्म किया उसके भी उसको भी प्रोटेक्ट कर रहे। 2019 के फरवरी में मैंने रिपब्लिक भारत शुरू की, इतनी सपोर्ट मिली हमारे राष्ट्रवादी चैनल को कि एक साल के अंदर भारत का नंबर वन चैनल हो गया। उसके बाद कई लोगों ने मेरे खिलाफ और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ साजिश की, वो तो सब आप जानते हैं दोस्तों, दोहराने की जरूरत नहीं। आज मैं उन सब लोगों को कहना चाहता हूं कि रिपब्लिक भारत एशिया के सबसे बड़े न्यूज रूम से ऑपरेट करेगा और एशिया के सबसे बड़े स्टूडियो कॉम्प्लेक्स जिसको हमने संघर्ष और तपस्या से बनाई। और आज मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जितने मेरे शुभचिंतक हैं जिन्होंने सोचा था कि अर्नब गोस्वामी को रिपब्लिक भारत से दूर कर देंगे, उन्हें फिर से सोचना पड़ेगा क्योंकि मैं अर्नब गोस्वामी कभी रिपब्लिक भारत नहीं छोड़ सकता और रिपब्लिक भारत पे ही मैं वापस आ रहा हूं।